I was right. कुछ है जो इसे ये सब करने के लिए फोर्स कर रहा है। फियो, आई वॉज राइट। कुछ है जो इसे ये सब करने के लिए फोर्स कर रहा है, वरना दादी के रूम में तो कोई था नहीं। फिर उसे वहां फोटो के सामने एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? सेकेंड वियो, वजह जो भी हो, आई नीड टू फाइंड आउट। मैं दादी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता करना होगा कि प्रज्ञा ये सब क्यों कर रही, चाहे इसके लिए मुझे उसकी परछाई क्यों ना बनना पड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका और थैंक यू सो मच, फिर से आपने समय दिया हम लोगों को। थैंक यू। अभी फिर से हम लोग देख रहे थे कि तकरार हो रही थी ऊपर, और क्योंकि दादी जो है वो नाराज़ हैं और आपको लग रहा है कि इंसल्ट किया दादी की बेटी ने, क्या कहेंगे? इंसल्ट नहीं किया है, प्रज्ञा जो है वो उन्होंने एक चुटकुला सुनाया था दादी को, तो दादी को वो चुटकुला पसंद नहीं आया, तो प्रज्ञा ने एक और चुटकुला सुनाया जिसमें दादी काफ़ी ऑफेंड हो गई। पर जोक्स ऑफेंसिव मतलब नज़रें होता है जोक्स को देखने का, अगर उन्हें पर्सनल ना लो तो सबको हंसी आती है, वो पर्सनल ले बैठी, तो अभी मनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। इस तरीके से अभी को लग रहा है कि आपने हर्ट किया है उनको और उसी तरीके से आपने दादी को भी हर्ट कर दिया है, एक दिखावा जो ये बोले थे दिखावा कर रही है। बहुत स्ट्रांग है, सबको हर्ट करते रहती है, ये पंच मारेगी आपको भी हर्ट हो जाएगा। पंच इस बार क्या आप दिखावा कर रही हो, क्या कर रही हो? मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं कभी इसी कमरे में जाती हूँ कभी उस कमरे में जाती हूँ। रही है। अच्छा हुआ, अच्छा नहीं बताना था।